हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इतने दिनों से मैं गायब था, आप लोगों की शिकायत होगी, आप लोगों की शिकायत होना जायज है, लेकिन मैं फ्री नहीं बैठा हुआ था, आप लोगों के लिए कार्यरत था और आप लोगों के लिए ऐसा सॉलिड कंटेंट मैं लेकर के आया हूं कि आपको इस जगह के अलावा कहीं भी वो कंटेंट नहीं मिलने वाला है। एक सीरीज बेसिकली हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं, मैं इधर आ जाता हूं पहले ताकि हम अच्छे से बात कर पाए। एक बेसिकली सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, उस सीरीज का नाम है पीबी किलर सीरीज। पीबी किलर सीरीज से आप जान ही चुके होंगे कि मैं क्या बात बोल रहा हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था परीक्षा बोध या अध्ययन वगैरह के रिव्यू में कि इनमें कई बार आंसर ऐसे होते हैं जो आइडियल आंसर नहीं होते हैं, जो आप लोगों को जो है वहां से याद करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर वो एग्जाम में आ गए तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, खास तौर से वो बच्चे जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, जो कि ये चाह रहे हैं कि हमारी मेरिट लिस्ट लगे, हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स आए सब्जेक्ट में। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए, आपको मालूम है फिजिक्स की दो वीडियोज हमने अपलोड कर दी थी, कुछ वजह तो ये रही कि इतना अच्छा जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या मालूम बच्चों को पता ना, ये मतलब ये लग रहा था कि यार हो सकता है कि, मतलब मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को इस तरह से महसूस हो रहा था कि चैप्टर वाइज अच्छा नहीं है। पहले चैप्टर में तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया, दूसरे चैप्टर में बिल्कुल वीडियो मेरी डाउन हो गई थी। तो आप लोगों के लिए ये जो एक महीने का ब्रेक मैंने लिया है, इस एक महीने का ब्रेक, इसको ब्रेक मत समझिए, आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रहा था मैं, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है पूरे चैप्टर का, सिर्फ जो है कुछ चैप्टर का हुआ है, जिसमें से पहली यूनिट का कंटेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। आइडियल आंसर की एक सीरीज हम फिजिक्स की शुरू कर रहे हैं यहां से, जहां से आप लोगों को क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, आंसर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बड़ी शिद्दत के साथ बहुत ही ज्यादा आइडियल वे में मैंने आंसर आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने की यहां पर कोशिश की है। यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करेंगे और बिना किसी देरी के मैं आप लोगों के सामने पहले पीडीएफ लेकर आ जाता हूं, ताकि आप लोगों के लिए जो वीडियो मैंने जिस भी पर्पस के लिए बनाई वो पर्पस पहले खुल जाए, फिर उसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे। आप लोगों के कमेंट मुझे पता है इस वीडियो पे बहुत सारे आने वाले हैं, उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है क्या वजह है वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो ये आप लोगों के सामने एक पीडीएफ है जिसके सामने मेरा चेहरा धुंधला हो चुका होगा, मतलब थोड़ा सा जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका होगा, है ना, वरना आपको पीडीएफ नहीं दिखती। ये पीडीएफ आप लोगों को दिख रही है, ये पीडीएफ क्या है, ये पीडीएफ इज नथिंग बट आइडियल आंसर सीरीज की पीडीएफ है, जिसमें से यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का, इसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं, जो हम हर साल जिस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, जिसमें से हर साल काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, विद आइडियल आंसर्स, ऐसे आंसर्स जिन्हें प्रिपेयर करने के बाद आपको किसी भी किताब में झांकने की जरूरत नहीं है, किसी भी दूसरी किताब में आप लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चन के उस आंसर को फाइंड करने की जरूरत नहीं लगेगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। हो सकता है इतना सारा टाइप किया है, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, लगी है, आप देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि कितनी मेहनत इसके अंदर लगी होगी, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा, ठीक है। एक एक आंसर बैठकर टाइप किया है, प्रूफ रीडिंग मैंने किया है, लेकिन हो सकता है के क्योंकि आप लोगों को देना भी जल्दी जल्दी है, इस वजह से कहीं पर कुछ टाइपिंग एरर आ गया हो, तो उसके लिए आप लोगों का सजेशन मेरे लिए एक, मतलब क्या बोल सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप लोगों के लिए, आप लोग जब इन क्वेश्चंस को पढ़ें, प्रिंट आउट निकालकर जब पढ़ेंगे, तो जो भी आपको एरर दिखते हैं वो आप लोगों को मालूम है कहां पर इसकी पीडीएफ भी कहां मिलेगी और उसके एरर के लिए कहां पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारी ऐप, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो ऐप भी जो है इंस्टॉल कर लीजिए, जिस पर आपको इसकी पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी फ्री सेशन में, फ्री वाले जो मटेरियल है उसके अंदर जाकर, ओके। और दूसरी बात यह है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, फिर बाद में जो है वीडियो के बीच में वो दूसरी बात मैं कहूंगा आपसे। तो देखिए यहां पर, जैसे कि मैंने यहां पर शॉर्ट आंसर जो होते हैं, हालांकि वेरी शॉर्ट कहते हैं 2 मार्क्स के, लेकिन 2 और 3 मार्क्स के
जो आंसर्स हैं उनको मैंने शॉर्ट की लिस्ट में डाला है, शॉर्ट की कैटेगरी में डाला है। तो दो और तीन मार्क्स में जो जो आ सकता है, जो जो डेफिनेशंस आ सकती है, बहुत ज्यादा भी नहीं है मात्रा में और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, जो मुझे लगता है जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन विद आइडियल आंसर मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली डेफिनेशन है आप लोगों की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फंडामेंटल ऑफ चार्ज क्या होता है उसके लिए जो है यहाँ पर पूरी के पूरी डेफिनेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशंस ही नहीं है, बीच बीच में जो डायग्राम हो सकते थे वो सारे के सारे डायग्राम हमने जब कोर्स लॉन्च किया था, कोर्स में मैंने डिटेल में सारा के सारा पढ़ाया है बच्चों को, उन सब से डायग्राम कॉपी करके यहाँ पर डायग्राम भी मैंने डाले हैं। तो डायग्राम भी सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। आपको पता है टाइप करना डायग्राम और ये सारी चीजें कितना ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो ये पहली यूनिट बहुत ठीक ठाक तरीके से तैयार हो गई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने लेकर आया जाए। काफी टाइम से सोच रहा था कि किस तरह से हम जो है इसको शुरुआत करें दोबारा। तो एनीवेज उन सब चीजों को आपसे से आपको कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है। इलेक्ट्रोस्कोप, उसकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने है यहां पर इलेक्ट्रोस्कोप की। ठीक है, कूलम्स लॉ जो कि दो मार्क्स में आ सकता है, उसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि पिछले साल वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड एक जो है मैग्नेटिज्म में से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार जो है कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म, उसके लिमिटेशंस वगैरह क्या होते हैं, वो सारे जो है बिल्कुल प्रिसाइज्ड मैनर में मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं। और साथ ही साथ ये इतने ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में है कि आप लोगों को समझ में आएंगे, याद करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो सारी चीजें मतलब पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है ये। इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, सारे फैक्टर अफेक्टिंग मैंने जो तीन मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो डाले हैं यहाँ पर। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी एसआई यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम जो है कब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो सारी चीजें मतलब जो छांट छांट कर चुन चुन कर जो जो क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में से, खास तौर से 5 सालों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमपी बोर्ड ने पूछे थे, वो सब के सब उसके आसपास के टॉपिक के सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए जो है बड़ी शिद्दत के साथ डालने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अगला देख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिखो, तो डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए डाल दी यहाँ पर। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, तो मैंने 6 प्रॉपर्टीज यहाँ पर डाली है। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर कितना होता है, तो वो दोनों के दोनों चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती है, वो डालिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डाली है। शायद मैंने यहाँ पर यार डायग्राम कॉपी नहीं हुए हैं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है डायग्राम कॉपी नहीं हुए हैं, होना चाहिए थे, डायग्राम कॉपी क्यों नहीं हुए हैं ये समझ नहीं आ रहा मुझको बच्चों, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पीडीएफ में डायग्राम कॉपी नहीं हुए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो पीडीएफ दूंगा उसमें डायग्राम रहेंगे। मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज को और कहाँ आप लोगों को जो है किस तरह के डायग्राम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि डायग्राम मिल ही नहीं रहे हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने जो है यहाँ पर वर्ड में टाइप किया है खुद, और वहां पर डायग्राम वगैरह सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह के डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसमें मैंने डायग्राम डाला है यहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब नेगेटिव कब जो है जीरो होता है उसके लिए डायग्राम यहां पर डाला है, तो पीडीएफ में नहीं आया है उसके लिए हो सकता है कुछ ना कुछ एरर आया होगा उसमें, लेकिन आप लोगों को पीडीएफ में भी डायग्राम आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक से एक मतलब सारे के सारे ही डायग्राम आप लोगों के लिए मैंने कॉपी किए हैं यहाँ पर, किसी वजह से उस जो पीडीएफ मैंने बनाई उसके अंदर नहीं आया होगा। ओके, अपन कहाँ पहुंच गए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है उसकी डेफिनेशन, उसका डायग्राम। ओके, उसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप 4 और 5 मार्क्स के, जिसमें डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मुझे लगता है कि ये वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो पूरा जो है इक्वेशन पूरी टाइप की आप लोगों के लिए। ठीक है, डायग्राम कॉपी करके यहां पर डाले हैं जो हमने कोर्स पढ़ाया था उसमें से। ओके, तो
ये सीरीज किस तरह से चलने वाली है, कितनी ज्यादा आगे जाने वाली है, क्या ये मुकम्मल होगी या नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वन सेकेंड मैं फुल कैमरा ले लेता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आपके डेडिकेशन पे, आपके जो है सब्सक्रिप्शन पे, मतलब कौन सा सब्सक्रिप्शन, मैं कोई पैसे वैसों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर पुराने भी, मैंने देखा है काफी सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिस सब्सक्रिप्शन से भी मोटिवेशन जो है मिलता है आगे वीडियोस को बनाने के लिए जल्दी जल्दी, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलाइए, और ज्यादा अगर इस पर जो है रिटेंशन बहुत ज्यादा अच्छा रहा तो बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को इस वीडियो का देखने के लिए मिलेगा, और जल्दी जल्दी जो है पार्ट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसकी पीडीएफ आप लोगों को सही से प्रिपेयर करके, हो सकता हो सही से प्रिपेयर नहीं हो पाई होगी, सही से प्रिपेयर करके आप लोगों को जो है पीडीएफ इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी और हमारी ऐप पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। मुझे पता है ढेर सारे आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, जो जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं आप लोगों के, वो सजेशंस के लिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए बैठा हुआ हूं, ठीक है, आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स, आपके डाउट्स सारे के सारे जो है पढ़े जाएंगे और उसमें से जो है रिप्लाई करने की पूरे बच्चों को कोशिश तो की जाएगी, लेकिन मैं वादा तो नहीं करता, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हर एक का रिप्लाई करना तो जो है पॉसिबल है नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, इस तरह की वीडियोस अगर आगे भी आप लोगों को चाहिए तो अच्छा रिटेंशन दिखाइए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट, एक ना एक कमेंट जरूर आप जो है हमारे लिए छोड़िए। आप लोगों को मालूम है यूट्यूब का अल्गोरिथम होता है, बातें समझाने की जरूरत नहीं आप लोगों को, जिसमें कमेंट होते हैं, लाइक्स वगैरह या फिर कितना रिटेंशन है उस वीडियो के ऊपर, वो सब चीजें देखकर आगे सजेस्ट करता है यूट्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।